जापान दोस्तों ये एक ऐसा देश है जिसके बारे में ना कुछ भी कहना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे काम कर देता है कि कोई उम्मीद भी नहीं करता। और कुछ ऐसे ही कमाल कर दिखाए हैं इन्होंने फूड बनाने के मामले में। वैसे तो आपने कई वीडियोस देख ही ली होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि इस देश की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा अलग है, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक फूड जो आपको सिर्फ जापान में ही मिलेंगे। दोस्तों नंबर 5 पर नाम आता है नाटो का। नाम तो इसका काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि नाटो ये जापान का ट्रेडिशनल फूड है। लेकिन नाम के साथ साथ ये खुद भी काफी ज्यादा अजीब है। असल में ये सड़ी हुई बीन्स से बनता है, और भला आप ही बताइए सड़ी हुई बीन्स को कोई कैसे खा सकता है। दुनिया के बाकी देशों के लोग तो इसे खाने से दूरी रहते हैं, लेकिन जापानी लोग इसे बड़े ही शौक से खाते हैं। और मैं तो यार दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी इंडियन इस खाने को बिल्कुल नहीं खा सकता। नंबर 4 फुनाकोशी। ये भी नाम से पता चल ही जाता है कि ये जापानी खाना है, लेकिन दोस्तों इस खाने की सबसे कमाल बात ये है कि इसे बनने में 1 साल यानी 12 मंथ का समय लगता है। इसे बनाने के लिए खास टाइप की मछली की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों जब 12 मंथ के बाद ये खाना बनकर तैयार होता है तो जापानी लोग तो बेहद ही खुश होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें से बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आती है, और कई बार तो देखा गया है कि अगर कोई टूरिस्ट इस खाने को सूंघ ले तो वो वहीं पर वॉमिटिंग कर देता है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि इसकी स्मेल कितनी ज्यादा बुरी और कितनी बैड है। नंबर 3 पर आता है फुगू। जापान का ये खाना भी काफी ज्यादा खतरनाक है, और मैं तो इसे खाना नहीं बल्कि जहर कहूंगा, क्योंकि इसके चलते कई बार लोग मर भी जाते हैं। दोस्तों असल में जापान के इस खाने में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जहर होती है, इसी वजह से इसे बनाने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें शेफ को 12 टाइप्स के एग्जाम देने पड़ते हैं, और अगर वो एक में भी फेल हो जाए तब वो पूरी तरह से पास नहीं किया जाता, और जो शेफ 12 एग्जाम को पास करे उसे ही अनुमति दी जाती है इस डिश को बनाने की। जापान के सिर्फ 30% शेफ ही इसे बनाने का लाइसेंस हासिल कर पाते हैं। नंबर 2 कोड मेल्ट। ये बेहद ही अजीब खाना है जिसे यहाँ के लोग शराखों के नाम से भी जानते हैं। अजीब तो लगा ही होगा, है ना, बहुत ही ज्यादा अजीब। लेकिन जापानी लोगों को स्पर्म से बना हुआ ये खाना काफी ज्यादा पसंद है, और जापान में अक्सर लोग सुशी बार में इसे मजे से खा पाते हैं, और पब में भी इसकी डिमांड काफी हाई रहती है। दोस्तों नंबर 1 पर आता है वाटर ड्रॉप केक। केक आखिरकार यार अंत में काम की चीज आ ही चुकी है जापान के खाने की। लेकिन दोस्तों बात हो रही है जापान के खानों की, तो यार केक भी तो कुछ अलग ही होगा ना। जापानी लोगों का कहना है कि इस केक को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और इसीलिए अगर आपको इसे पूरा स्वादिष्ट तरीके से खाना हो तो 30 मिनट के अंदर ही खा लेना चाहिए। इस केक को बनाने के लिए शक्कर, शहद, मूंगफली और पानी का यूज होता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर खास बात बता दूं, ये केक दोस्तों सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, और दूसरे लोग यानी टूरिस्ट लोग भी इसे मजे के साथ खाते हैं। लेकिन इस केक की शेप बेहद ही अजीब सी है, और ऐसा लगता है कि ये पानी की कोई बूंद हो। दोस्तों आप इसमें से कौन सा खाना खाना चाहेंगे? मैं तो यार वाटर ड्रॉप केक को ही चेक करना चाहूंगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।